सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल के लिए यानी कि ट्यूसडे के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, यहाँ से आगे मार्केट का मोमेंटम क्या रहेगा, एग्जिट पोल्स के क्या रिजल्ट्स है और कल के लिए क्या हो सकता है, इन सबके ऊपर आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जो भी लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको बताना चाहूंगी इस चैनल के ऊपर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए वीडियोस मिलते जाएंगे ऑप्शंस के रिगार्डिंग। कल क्या ले सकते हैं, कौन सी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, इन सब के लिए आपको इस चैनल के ऊपर वीडियोस मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर शेयर मार्केट के रिगार्डिंग, स्टॉक्स के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स मिलती जाती है। तो जो भी लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चैनल को, ये बताऊंगी कि यहाँ पर इन शॉर्ट आपको शेयर मार्केट के लिए सारी अपडेट्स मिलती है। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सही से आती जाए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर रखना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन यानी कि कम्युनिटी पे जो पोस्ट आते हैं उनकी भी सारी नोटिफिकेशन मिलती जाए और वीडियोस भी जो आते हैं वो सारे आपको मिलते जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक मुझे मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक आपको प्रोवाइड की हुई है, उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। तो टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन करने का फायदा क्या है ये आप सोचोगे, तो देखिए लाइव मार्केट में जो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स होती है, जो वीडियोस बना के पोस्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम यानी कि अभी पोस्ट किया और अभी मिल गया, ये सारे जो लेवल्स होते हैं लाइव मार्केट में वो आपको वहां पर काम आते हैं। तो इसके लिए टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन जरूर होना, ये फ्री चैनल है, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और प्रीमियम ग्रुप के रिगार्डिंग भी अगर किसी को कुछ नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको वो सारी फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। तो कल बहुत बड़ा दिन है, आज भी 2000 पॉइंट्स की रैली बैंक निफ्टी ने दिखाई है और ये रैली कल भी कायम रह सकती है क्योंकि सिर्फ एग्जिट पोल्स के ऊपर अगर इतनी रैली हो सकती है तो आप सोच सकते हो कि अगर वही एग्जिट पोल्स अगर रियल हुए और वही न्यूज आती है, वही जो नतीजा है वही आता है, तो आप सोच सकते हैं कि आप मार्केट अभी यहाँ है और यहाँ से यहाँ तक आराम से जाएगा एक दो दिन के अंदर। और अगर आपको इन एक और दो दिन में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना है तो आपको प्रीमियम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको फ्री चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। तो अभी शुरू करते हैं आज का एनालिसिस निफ्टी 50 के साथ। तो निफ्टी 50 ने 23,263 के पास क्लोजिंग दे दी है और देख सकते हैं आप आज की जो रैली थी वो 23,300 से भी ऊपर जा चुकी है और अभी देखे तो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 23,260 और 250 के ऊपर बंद हुआ। यहाँ पर जो पैटर्न है ये पैटर्न हम लोग हैंगिंग मैन काइंड ऑफ पैटर्न है और ये टॉप पे फॉर्म हुआ है, बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। फिर भी अभी अभी के लिए अगर देखें 23,500 ये अभी टारगेट निफ्टी 50 के लिए इंटैक्ट है और निफ्टी 23,500-600 तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा अगर 23,050 होल्ड होता है। नियरेस्ट जो सपोर्ट है निफ्टी 50 के लिए वो यहीं पर है 23,050 के पास। अभी हम लोग एक बार 30 मिनट्स कैंडलस्टिक पैटर्न देख लेते हैं। तो 30 मिनट्स कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर गैप अप के बाद हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली निफ्टी के अंदर और निफ्टी ने फिर हमें 23,050 तक गिरावट दिखाई। यहाँ पर हम लोग 23,050 को मार्क कर लेते हैं। तो देखिए 23,050 तक गिरावट दिखाई, फिर 23,050 से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आती हुई दिखाई दी और निफ्टी 50 को फिर से 23,300 तक
ये बाइंग लेके गए, यानी कि 300 पॉइंट्स की रैली आज के सेशन में हुई आफ्टर गैप अप भी, और 23,300 यहाँ पर हमें अचीव होता हुआ दिखाई दिया। अभी देखिए यहाँ पर 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है अराउंड 23,050। निफ्टी 50 के लिए जो डाउन साइड के लिए इम्पोर्टेंट फर्स्ट सपोर्ट निकल रहा है वो 23,050 है। जो नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये कहाँ पर प्लस है, तो ये प्लस है 22,880 के पास। तो डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो दोनों लेवल्स ये जो है 23,50 एंड 22,880, ये दोनों लेवल्स सपोर्ट का काम कर रहे हैं फिलहाल निफ्टी 50 के लिए, और दोनों लेवल्स जब तक इन लेवल्स के ऊपर है निफ्टी की रैली 23,500-600 तक जरूर जाएगी। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट है 22,880 के पास, यहाँ से फिर से निफ्टी हमें अपसाइड के लिए भागता हुआ दिखाई देगा। अभी यहाँ पर एनडीए गवर्नमेंट की विनिंग जो हमें दिखाई दे रही है, ये अगर कल होती है तो कल के सेशन में ही निफ्टी हमें अपसाइड के लिए 23,500 अचीव करता हुआ दिखाई देगा। अभी यहाँ से निफ्टी हमें थोड़ी एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, और ये प्रॉफिट बुकिंग हमें 23,50 तक आती हुई भी दिखाई दे सकती है। तो हमें करना क्या चाहिए अभी इस मार्केट के अंदर, क्योंकि देखिए अभी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, और इसमें ये जो इवेंट्स वाले दिन होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि इन दिनों में एसएल कुछ काम का नहीं होता है, क्योंकि एसएल यहाँ पर हिट होकर भी रैली हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा 23,300 से गैप अप हुआ, यहाँ से फिर से निफ्टी हमें 300 पॉइंट्स नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया नेक्स्ट कैंडल में, और ये फिर से हमें 23,300 जाता हुआ दिखाई दिया। तो यही सब होता है इवेंट्स वाले दिन में। तो इसमें क्या होता है, जो बिगिनर्स हैं, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, वो फंस जाते हैं, क्योंकि वो अपना एसएल 30-40 पॉइंट्स का लगा दे, और ऐसे दिनों में 30-40 पॉइंट्स का एसएल कुछ काम का है नहीं। तो इसमें क्या करना चाहिए अभी हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, अभी देखिए 23,50 के पास से हमें एक बाइंग आती हुई दिख रही है, ये हमें समझ में आ रहा है। तो हमें अगर कल एक फॉल मिलता है या फिर ओपनिंग अगर स्लाइटली डाउन साइड हो जाती है अराउंड 23,50 और 23,100, तो ये हमें एक रेंज जो है वो बाइंग रेंज के तौर पे लेना चाहिए। यहाँ से एक बाइंग हो सकती है अपसाइड के लिए 23,300-400 के लिए, लेकिन अगर कल भी गैप अप हो जाता है अराउंड 23,500-600 के आसपास तो क्या करें। तो अगर कल भी गैप अप हो जाता है और गैप अप के बाद तुरंत आप यहाँ पर एक सेलिंग साइड का ट्रेड बना सकते हो, 100-200 पॉइंट्स के लिए आप जा सकते हो, क्योंकि अभी देखिए मार्केट का जो सिनारियो है ये थोड़ा बुलिश है, और इस रेंज में हमें ज्यादा फॉल कैच करने नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें कौन सी राइट एंट्री मिलती है। तो अगर कल भी गैप अप हो जाता है तो आप तुरंत एक पी साइड की पोजीशन बना सकते हैं 100-200 पॉइंट्स के फॉल के लिए। सेफ ट्रेडर्स यहाँ पर ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, अगर आपको निफ्टी में 30-40 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो वो लेकर निकल जाओ, क्योंकि कल इवेंट वाला दिन है, कल पूरा दिन मार्केट हमें निफ्टी स्पेशली निफ्टी भी 500-600 पॉइंट्स ऊपर नीचे करता हुआ दिखाई देगा, और आज जो इतना बड़ा गैप अप क्रिएट हुआ है ये गैप तो फिल करने जरूर आएगा निफ्टी, और अगर ये गैप फिल करने के लिए कल आता है निफ्टी तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि कल के सेशन में ये हो सकता है कि स्लाइटली फर्स्ट निफ्टी हमें डाउन साइड के लिए मोमेंटम दिखाएगा, और फिर जाके सपोर्ट से यानी कि 22,880 और 23,50 यहाँ से हमें एक अपसाइड की रैली भी देखने को मिल सकती है। तो अगर गैप अप और गैप डाउन होता है तो हमें यहाँ पर जो लेवल्स बताए हैं, जैसे कि अगर गैप अप हो जाता है तो तुरंत आप एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हो विद इन 1 or 2 minutes, और फिर एक फॉल आपको जो मिल रहा है वो फॉल कैच करके आप एग्जिट कर लो, फिर मार्केट बीच में 9:30 to 10:15 तक मार्केट क्या कर रहा है, क्या स्टेबिलिटी दिखा रहा है, ये देखकर फिर 10:30 को नेक्स्ट ट्रेड बना सकते हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा। दो टाइम मैंने आपको बताया है, 9:15 के ओपनिंग के बाद आप एक तुरंत ट्रेड ले सकते हैं बिफोर 9:30, और 9:30 के बाद 10:15 तक आपको सिर्फ मार्केट को वॉच करना है।
इस बीच में आपको कुछ ट्रेड लेना नहीं। इसके बाद में जो नेक्स्ट ट्रेड रहेगा वो आपका रहेगा 10:30 से 11:30 के बीच में। ये फर्स्ट हाफ का है टाइमिंग, आपको यहाँ पर इस टाइमिंग में ट्रेड लेने हैं जो भी मैंने आपको बताए हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको जो लेवल्स भी बताए हैं उन लेवल्स का ही यूज कीजिएगा। आफ्टर 11:30 क्या कर सकता है, आफ्टर 11:30 हमें 12 बजे तक मार्केट को सिर्फ वॉच करना है, क्योंकि सेकेंड हाफ में मार्केट यहाँ से हमें एक ऊपर की रैली दिखा सकता है न्यूज के बाद। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग में ट्रेड कीजिए, जो टाइमिंग में ट्रेड नहीं बताया है उस टाइमिंग में अगर ट्रेड करोगे तो आपका पैसा फंस जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा निफ्टी 50 के लिए। अभी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने भी आज एक बढ़िया रैली दिखाई 2000 पॉइंट्स की, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं आज 50,000 तो अचीव हो ही गया है, लेकिन इसके साथ साथ 51,000 भी आज निफ्टी बैंक ने अचीव कर लिया है। और डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक ने एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म की है। अभी यहाँ से आगे निफ्टी बैंक का क्या हो सकता है, तो देखिए कैंडल जो है वो लॉन्ग लोअर शैडो है और एक पॉजिटिव कैंडल है, अपसाइड के लिए स्मॉल शैडो है। और यहाँ पर देखें तो 51,000 के ऊपर निफ्टी बैंक जो है वो ट्राई कर रहा था सस्टेन करने के, लेकिन उसके आसपास तो है। अभी यहाँ से क्या हो सकता है, तो देखिए 51,000 अचीव हो चुका है, अभी जो नेक्स्ट टारगेट है निफ्टी बैंक का वो 53,000 का, लेकिन ये तभी अचीव हो सकता है जब निफ्टी बैंक 50,000 के ऊपर सस्टेन करेगा। 50,000 जब तक होल्ड हो रहा है निफ्टी बैंक 53,000 अचीव करेगा, और ये एक से दो सेशन में भी हो सकता है, क्योंकि आज अगर 2000 पॉइंट्स की रैली सिर्फ एग्जिट पोल्स के नतीजों पर हमें ये रैली देखने को मिल सकती है, तो आप सोच सकते हैं अगर वही नतीजे सही है तो यहाँ से हमें डेफिनेटली एक बुलिश मोमेंटम और ज्यादा देखने को मिल सकता है। फिलहाल 20 एंड 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर से अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो 50,000 टू 7280 के पास एक सपोर्ट बन रहा है, और नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो हमें 49,620 के पास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी कल के सेशन के लिए निफ्टी बैंक के लिए क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो निफ्टी बैंक ने गैप अप ओपनिंग करके सेम हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई निफ्टी के अंदर जैसे देखने को मिला, और जैसे ही 50,000 के आसपास पहुंचा निफ्टी बैंक हमें फिर से एक बाइंग मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया और 51,000 के तरफ निफ्टी बैंक बढ़ता हुआ हमें दिखाई दिया, यानी कि इस लेवल के ऊपर भी निफ्टी बैंक हमें जाते जाते अपसाइड की रैली यानी कि इस लेवल को भी तोड़ता हुआ दिखाई दिया। इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें निफ्टी बैंक के अंदर देखने को मिल रहा है, और ये हेल्प कर रहा है निफ्टी 50 को भी। और कैंडल्स भी आप देख सकते हैं 30 मिनट्स कैंडलस्टिक पैटर्न है, ज्यादा हमें निगेटिव कैंडल्स यहाँ पर दिख नहीं रहे, स्विंग्स ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर, और ये स्विंग्स का फायदा हमें कल के सेशन में भी हो सकता है। कल इसमें बढ़िया प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा ऑप्शंस के अंदर। तो कल के सेशन के लिए निफ्टी बैंक के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं, तो देखिए 51,000 नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी बैंक का, और कल के सेशन में अगर निफ्टी बैंक फ्लैट ओपनिंग करके इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो 51,800 और 900 तक की रैली हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर कल भी गैप अप हो जाता है अराउंड 1000 पॉइंट्स का तो 52,000 की तरफ हमें गैप अप देखने को मिलेगा, लेकिन इस गैप अप के बाद 300-400 पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। तो अगर जिनको प्रॉफिट बुकिंग में एंटर करना है पी साइड में सेलिंग साइड में एंटर करना है वो यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा डाउन साइड के टारगेट के लिए नहीं जाना है। जैसे मैंने बताया मोमेंटम जो है वो बुलिश है, और अगर आप ज्यादा के लिए जाओगे पी साइड के लिए तो आपका लॉस होगा, या फिर आप एक यहाँ पर ले सकते हैं अगर गैप अप करके निफ्टी बैंक प्रॉफिट बुकिंग करता है तो सपोर्ट के यहाँ से आप एक बाइंग दिखा सकते हैं, तो आपको एक अच्छा बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। तो निफ्टी बैंक के लिए अपसाइड के लिए कौन कौन से लेवल्स हैं, 51,500 और 600 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, इसके बाद में 52,050 का और 52,080 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। तो अगर इन लेवल्स के पास ओपनिंग करके निफ्टी बैंक नीचे आता है तो 51,000 का सपोर्ट है, यहाँ से एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है जो निफ्टी बैंक को फिर से अपसाइड के लिए लेके जाएगा। और अगर कल गैप डाउन हो जाता है 50,200-300 के पास तो भी आप इस रेंज में एक बाइंग दिखा सकते हैं।
आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर भी, और बाकी के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी है। कुछ भी आपको अगर डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगी। सो अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना, वीडियो अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, जिनको भी ये वीडियो यूजफुल है उन सबके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, और उन सबको कहना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।